ओके गाइस, तो अभी मैंने इस टेक्सचर की पोरिंग और पेस्ट प्ले की है और इसकी इस टेक्सचर को सारा मिक्स किया है। सो अब मैं इसकी शेप्स बनाऊंगी, शेप्स मेकिंग करूंगी। तो आई एम गोना मेक दिस शेप, इट्स अ न्यू शेप, सो लेट्स सी। लेकिन अभी इस टेक्सचर की मुझे कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं लग रही, आई वॉन्ट सम फर्मर शेप्स, सो इसलिए मैं इस टेक्सचर में थोड़ा सा और पानी मिलाऊंगी ताकि ये अच्छे से बाइंड हो। मुझे ये कंसिस्टेंसी चाहिए, सो लेट्स मेक श्योर। लेट्स सी कि ये शेप कैसे निकलती है। ओके, इट्स परफेक्ट। सो नाउ आई एम गोना मेक दिस शेप। और शेप्स मेकिंग की मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, एक दो शेप्स मैं आप लोगों के सामने बना लेती हूँ, लेकिन इसकी मैं अलग से शेप्स मेकिंग की भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। सो एक शेप मैं दोबारा आप लोगों के सामने बना लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊँगी कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। ओके गाइस, सो लेट मी रिकॉर्ड शेप्स मेकिंग वीडियो। ओके गाइस, सो फाइनली ये सब शेप्स बन गई हैं और मैंने इसकी शेप्स मेकिंग वीडियो फुल रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता और मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है। लाइक मैंने बहुत कम टाइम में बहुत सारे काम करने हैं, वीडियोस बनानी है और शेप्स मेकिंग भी करनी है और आज फ्राइडे भी है। सो मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से काम वाइंड अप कर लूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ लिटरली। आप लोग जाके रूज ऐसे वहाँ पर लाजमी व्लॉग्स देखिएगा, वहाँ पर मैंने सब कुछ शेयर किया है लाइक आज के दिन में मैंने क्या क्या काम किए हैं। सो अभी मैं ये एरिया क्लीन अप कर रही थी क्योंकि यहाँ से टेक्सचर हटाना ज़रूरी है, ये थोड़ा सा ही टेक्सचर है इसलिए ये बिल्कुल थोड़ा सा टेक्सचर है, सो इसको मैं सबसे पहले हटाऊंगी।
इस टेक्सचर की मैं जगह चेंज कर रही हूँ। पहले ये टेक्सचर जहाँ पे पड़ा हुआ था अब मैंने इसको उठा के कहीं और रखना है, और वहाँ पे मैंने कोई और टेक्सचर रखना है। ये मेरा ग्रिटी रीयूज सैंडसिमन टेक्सचर है, जो कि आधा मेरी न्यू वर्क प्लेस पर जा चुके हैं और आधा ये मेरी ओल्ड वर्क प्लेस पर ही है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस टेक्सचर की या तो बोरिंग कर लूँ। ओके सो अभी मैं इस टेक्सचर को थोड़ा सा और उधर करूँगी ताकि यहाँ पर स्पेस बने। ओके सो फिलहाल मैं ये टेक्सचर बनाना चाहती हूँ, और ये टेक्सचर मैंने इतने अरसे से यूज़ नहीं किया। दिस इज़ माय वाइट सीमेंट विद ब्लैक कॉन्क्रीट। सो अभी इस टेक्सचर की मैं शेप्स मेकिंग करूँगी और शेप्स में यहाँ पे बनाऊँगी, और काफ़ी ज़्यादा मेस हुआ है लेकिन इंशाल्लाह ये क्लीन अप हो जाएगा। और मैं अभी इस टेक्सचर की शेप्स बनाती हूँ। गाइस सो फाइनली इस टेक्सचर की शेप्स बन गई हैं, और मैंने इसकी वीडियो नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। ये टेक्सचर तकरीबन इस पर मेरा एक घंटा लग गया इसको बनाने, बिकॉज इट्स अ वेरी यू नो ट्रिकी टेक्सचर। इसको बहुत एहतियात से और बहुत तरीके से बनाना होता है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड कर सकते हैं बिकॉज इट्स प्योर सीमेंट। सो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस टेक्सचर को बनाया, सो होपफुली अब ये अच्छा बने, ये हार्ड ना हो। और यहाँ से मैंने काफ़ी क्लीनिंग वगैरह भी की है,
और बाकी का व्लॉग मैं इंशाल्लाह रूज एस एम आर पर अपलोड करूँगी, वो आप जाके लास्ट में देख लीजिएगा और न्यू वीडियोस भी लास्ट में वहाँ पर देखिएगा। सो इंशाल्लाह मुझे आप लोग अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा, आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग, और मैंने अपनी तरफ से इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करने की कोशिश की। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।